गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फनी कंसेप्ट यूट्यूब क्लासेस के साथ मैं रितु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम फनी कंसेप्ट यूट्यूब क्लासेस के साथ मैथमेटिक्स के साथ जीएस के अनेक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें आप मेरे साथ पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास है। इससे पहले की चारों क्लासेस में मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में कि पॉलिटी का क्या सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और आपको कौन सी बेसिक बुक पॉलिटी के लिए पढ़नी होगी। नेक्स्ट मैंने सेकंड क्लास में आपके साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर स्टार्ट किया था। आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमारी अंतिम क्लास है। देखिए, इससे पहले की जितनी भी हमारी पॉलिटी की क्लास है वो सभी फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप सभी जाकर अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें देख लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस के साथ आपका लिंक बना रहे। आइए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अंतिम क्लास। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पहला है कंपनी का शासन 1858 तक, दूसरा है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। अब 1947 तक ये जो ताज का शासन था, इस ताज के शासन के दौरान क्या क्या पृष्ठभूमि में बदलाव हुए। परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए या भारत के शासन को संचालित करने के लिए नीतियों और नियमों में किस प्रकार का परिवर्तन किया, वो आप अपनी पिछली क्लास में 1909 तक देख चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 1909 का जब अधिनियम आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे। आई थिंक होपफुली आप सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप सभी अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट को समझने में आसानी रहे, चाहे वो पॉलिटी का सब्जेक्ट हो मेरे साथ या आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वायसराय के आने का टाइम पीरियड क्या था और गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था। उससे क्या है कि आप ब्रिटिश शासन के दौरान हुई जितनी भी घटनाएँ हैं उन सभी घटनाओं को एक लिंक कर पाएंगे कि किस गवर्नर या किस वायसराय के शासनकाल में कौन सी घटना हुई है। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम जब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको 1909 के अधिनियम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी, शायद आपको याद भी होगा। और मैंने आपको बताया था कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो वो यही है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था। देखिए, कौन से अधिनियम से हुआ था, 1909 के अधिनियम से हुआ था, या मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब से किया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप वायसराय का नाम पढ़कर आइएगा। देखिए, उसमें आपकी बुक में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग। अब 1919 और 1935 के अधिनियम में आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं उसी अधिनियम या उन्हीं बातों का विस्तार है। देखिए, कोई भी अधिनियम तभी लाया जाता है जब पिछले अधिनियम में कुछ कमियां हों, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से किसी के द्वारा कोई मांग की जाती है, उन कमियों को दूर करने के लिए नया अधिनियम लाया जाता है। इसी तरह लाया गया आपका 1909 का अधिनियम और फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि लगभग चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम हो, उसमें आपका सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला अगर कोई प्रश्न है तो वो यही प्रश्न है। अब देखिए, ये प्रश्न आपका दो तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी, 1919 से लिंक करके और 1935 से लिंक करके। अक्सर हम एग्जामिनेशन हॉल में आधा अधूरा पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है आधा देखने के लिए। जैसे द्वैत शासन प्रणाली देखी, सीधा 1919 लगा दिया, लेकिन आप देखेंगे कि दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्नों में सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर है आपका प्रांतीय विषय 1919 में, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विषय दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, पहला है आपका हस्तांतरित और दूसरा है आरक्षित।
और इनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नर को पावरफुल बना दिया गया। अब गवर्नर विधान परिषद की सहायता से इनके विषयों का या इनकी शक्तियों की देखरेख करने का दायित्व गवर्नर के ऊपर आ गया। ये थे आपके प्रांतीय विषय। देखो, जब प्रांतीय विषयों को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, यानी कि आपके यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था की फिर से नींव पड़ी, फिर से द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की नींव डली। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई, तब आपका उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। लेकिन यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की नींव कब पड़ी, तब आपका ये उत्तर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक डिफ्रेंशिएट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली या केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहा है, ना कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहा है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आप देखेंगे 1935 के अधिनियम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस बिंदु को बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर देख रहे होंगे। देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, चाहे घटना चक्र का सेट लगाइए या कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पर अब आपसे मैंने कहा कि प्रश्न पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की नींव कब पड़ी, तो 1919 के अधिनियम में आपकी द्वैध शासन प्रणाली की नींव पड़ी। अब जब द्वैध शासन प्रणाली की प्रांतों में नींव पड़ी, तो एक चीज और आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि विधान परिषदों के स्तर पर प्रांतों में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कहाँ पर आपकी प्रारंभ हुई है, 1919 के अधिनियम में। अब देखिए, पिछले अधिनियम का भी सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु था आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ना, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ होना, जो आपकी 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में ही प्रारंभ हो चुकी थी। अब 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम में आप क्या देखेंगे कि ब्रिटिश ने अपनी सुविधा के अनुसार इसका विस्तार किया। देखिए, अब 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया, मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियंस को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया बल्कि उसका और विस्तार कर दिया गया। अब किन में उसका विस्तार किया गया, ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा, सिखों में, भारतीय ईसाइयों में और यूरोपियंस में। देखिए, यहाँ पर महिला और दलित आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपको 1935 के अधिनियम में देखने को मिलेंगे। ये बिंदु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप, मैं चाहूँगी कि अपनी पॉलिटी की आपके पास जो भी बुक है, NCERT है, M. लक्ष्मीकांत है, या जो भी कोचिंग का आपके पास मटेरियल है, उसमें आप इन तीनों बिंदुओं को देखिएगा, तीनों बिंदुओं में कंपैरिजन करिएगा कि 1909 के अधिनियम में क्या मिला, 1919 के अधिनियम में क्या मिला और 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर क्या प्राप्त हुआ, इन तीनों बिंदुओं का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि पहली बार भारतीयों को सीमित मताधिकार दिया गया, लेकिन सीमित मताधिकार देने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण कर दिया गया, जैसे कि आप ब्रिटिश सरकार को कर देने वाले हो, ब्रिटिश सरकार के आप करदाता होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, नेक्स्ट आप एजुकेट होने चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया इन्होंने आपके सीमित मताधिकार के लिए निर्धारित कर दिए। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा कि पहली बार भारतीयों को मताधिकार कब दिया गया, 1919 के अधिनियम में। लेकिन इस ये भी याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को जो मताधिकार दिया गया, वो केवल और केवल सीमित रूप में दिया गया, यानी कि शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और कर के आधार पर आपको मत देने का अधिकार दिया गया। चलो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम शुरुआत तो हुई। ये था आपका 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है 1926 में
संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप देख रहे हैं, आप जिस लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आप देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी नींव यहीं पर डल चुकी है। 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग का आपका गठन हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बजट। बजट देखिए, इससे पहले क्या था कि केंद्र में जो बजट आता था वो केंद्र का बजट और राज्यों का बजट संयुक्त रूप से होता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। इसे याद रखिएगा। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरीके से कि केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को कब अलग किया गया, कौन से अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो आपको उत्तर एकदम स्पष्ट होना चाहिए, 1919 का अधिनियम। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिए इसके ऊपर पूरी कहानी है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री की एक पृष्ठभूमि है। 1919 से लेकर 1920 से लेकर 1930 तक कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव है इसमें, केवल इस एक शब्द में, वो है वैधानिक आयोग। आप 1919 में अगर हिस्ट्री के लेक्चर में जाकर कहीं ध्यान से देखेंगे, हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे, तो 1919 की पृष्ठभूमि पर जरा ध्यान दीजिएगा। 1919 में बड़े पैमाने पर भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी। आप खुद ही देखिए कि आखिर क्यों इतने सारे अधिनियम लाए जा रहे हैं। इन अधिनियमों को लाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं यही था कि भारतीयों की जो महत्वाकांक्षा है या भारतीयों की जो इच्छाएं हैं उन्हें समाप्त किया जा सके और भारतीयों को शासन व्यवस्था में थोड़ी हिस्सेदारी दी जा सके, जिससे वो ब्रिटिश के विरुद्ध किसी प्रकार का आंदोलन ना करें। अब यहीं पर 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश द्वारा एक प्रॉमिस किया गया। प्रॉमिस था कि हम 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे और ये वैधानिक जांच आयोग 10 साल बाद आएगा। देखिए देश हमारा ब्रिटिश शासन कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि 10 साल बाद हम आएंगे और जांच करेंगे और ये देखेंगे कि आप लोग संविधान या देश को चलाने के लायक है या नहीं। अगर आप देश को चलाने के लायक है तभी आपको शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। 1919 के अधिनियम में ही आपका ये प्रावधान था, जिसने 1935 के अधिनियम की नींव डाल दी थी। और मैंने कहा हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसी ने नींव डाली है, इस एक शब्द ने, वैधानिक आयोग के गठन ने। अब हमने 1919 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ने प्रॉमिस कर लिया कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। अब आई थिंक कि आप लोगों ने गवर्नर जनरल और वायसराय के सारे कार्यकाल याद कर लिए होंगे, तो आपको याद होगा कि 1919 में भारत का वायसराय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। तो इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अगर आपसे इसी तरीके से पूछ लिया जाए, प्रश्न आपको दे दिया जाए कि द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था प्रांतों में, और आपको 1919 का अधिनियम ना देकर ऐसे ही दे दे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो कम से कम आपको, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप सभी वायसराय और गवर्नर जनरल का कार्यकाल और उनका नाम याद कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न का उत्तर समझने में आसानी रहे। अब देखिए, अब हम आते हैं 1935 के अधिनियम पर, लेकिन 1935 के अधिनियम पर आने से पहले बीच में एक छोटी सी पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि यहीं से आपकी स्टार्ट होती है, वैधानिक आयोग से। मैंने कहा आपको कि 10 साल बाद इन्होंने प्रॉमिस किया कि 10 साल बाद एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि 10 वर्षों के बाद। अब 1919 है, अब अगर 10 वर्षों के बाद जांच आयोग का गठन किया जाना है तो ये कायदे से कब होना चाहिए था, 1929 में। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा 2 वर्ष पूर्व ही, देखो यहां लिख देती हूं मैं, 2 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1927 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम आप सभी ने बार बार सुना होगा, जिसका नाम था साइमन आयोग। आपने हिस्ट्री में कई बार नारे भी पढ़े होंगे, साइमन गो बैक, ठीक है, लाला लाजपत राय के ऊपर हुआ लाठीचार्ज जिसका बदला भगत सिंह ने लिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री की कितनी सारी घटनाओं की पृष्ठभूमि केवल इस शब्द से जुड़ी हुई है, वैधानिक आयोग से। यही से आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव निकल के चलेगी, इसी एक शब्द से।
अब 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया, यानी कि 1927 में साइमन आयोग का गठन किया। ठीक है, साइमन आयोग 2 वर्ष पहले ही जांच करने के लिए आ गया। आपको पता है साइमन आयोग का बड़े पैमाने पर भारत में विरोध किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो साइमन आयोग भारत में संवैधानिक शासन की जांच करने के लिए आया है कि भारतीयों को शासन दिया जाए या ना नहीं दिया जाए, उसकी इतने बड़े पैमाने पर आलोचना क्यों की जा रही है और उसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध क्यों किया जा रहा है। देखिए, इसके विरोध के 2 सबसे बड़े कारण हैं, सबसे बड़े कारण भी और सबसे महत्वपूर्ण कारण भी। आप देखेंगे कि अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आपको उन्हीं दोनों कारणों से आपका सामना होता है। पहला कारण, जो ये साइमन कमीशन, जो जांच आयोग जिसका गठन किया गया, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न में यही लाइन मिलेगी कि इस जांच आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है समय सीमा से पूर्व इसका गठन कर दिया जाना। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1919 में इसका गठन होना था, लेकिन 1927 में ही इस जांच आयोग का गठन कर दिया गया। ये थे साइमन आयोग के विरोध के सबसे बड़े कारण। देखिए, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे विरोध हुआ, कौन कौन मारे गए, किसने लाठी खाई, कहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका आधुनिक भारत का विषय है और इसका अध्ययन आप आधुनिक भारत में ही करेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद आता है 1927 के जांच आयोग के बाद 1932। आपने एक और शब्द का नाम सुना होगा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, जिसे पूना पैक्ट कह लीजिए, सांप्रदायिक पंचाट कह लीजिए, ठीक है, या कम्युनल अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिस भी नाम से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वो यही है। इस समय क्या था कि मैकजे डोनाल्ड ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे और मैकजे डोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। जब एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में की गई तो इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, यानी कि भारत को और भी टुकड़ों में तोड़ने की का प्रावधान या व्यवस्था कहीं ना कहीं कर दी गई। आपको पता होगा गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में कैद थे। अब यरवदा जेल में ही गांधी जी अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक मीटिंग करवाई, जिसमें अंबेडकर जी इस चीज़ के लिए सहमत हो गए और उन्होंने जो उनकी पृथक निर्वाचन की मांग थी दलितों के लिए, उस मांग को उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें विधानसभा में अतिरिक्त सीटें दे दी गई, केंद्र में भी और प्रांतों के स्तर पर भी, जिससे वो संतुष्ट हो गए। देखिए, पूरा का पूरा 1932 का जो सांप्रदायिक पंचाट है आपका, या आपका पूना पैक्ट कह लीजिए, या आपका कम्युनल अवार्ड है, इसका भी पूरा डिटेल में जो अध्ययन है वो आप पॉलिटी की बुक में करेंगे। मैंने यहाँ आपको केवल लिंक करने के लिए कि कैसे 1919 से आप 1927 में गए और 1927 से आप 1932 में पहुँचे। अब 1932 के बाद 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक और संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। अब वो विधेयक क्या था आपका, वो अधिनियम था आपका 1935 का अधिनियम, और 1935 का अधिनियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इस अधिनियम में लगभग 321 अनुच्छेद थे और 10 धाराएं थी, मतलब अपने आप में ये इतना बड़ा विस्तृत था, तो इसे कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसके लिए मील का पत्थर कहा जाता है। जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि संविधान के सोर्सेज क्या क्या रहे, उन सोर्सेज में मैं 1935 के अधिनियम का जिक्र एक बार फिर से आपके साथ करूँगी। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम में पहली ही बात की गई, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात इसमें की गई कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जब एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी तो इसमें क्या किया जाएगा, देसी रियासतों को एक इकाई के रूप में शामिल किया जाएगा, केवल एक इकाई के रूप में, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान
कौन से अधिनियम के तहत लाया गया? तो ये अधिनियम था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जैसे पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा रही है, और आपने तीन सूचियों का नाम अक्सर सुना होगा, एक है आपकी राज्य सूची, एक है संघीय सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। पहली बार शक्तियों को स्पष्ट रूप से डिवाइड किया गया कि कौन सी शक्ति संघ के क्षेत्राधिकार में आएगी, कौन सी शक्ति राज्यों के क्षेत्राधिकार में आएगी और कौन सी शक्ति समवर्ती यानी कि दोनों के क्षेत्राधिकार में आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी रखी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अवशिष्ट शक्तियाँ आखिर किसके पास थी, केंद्र के पास या राज्यों के पास? अब यहाँ पर आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो 1935 के अधिनियम में प्रदत्त की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, उन पर किसका नियंत्रण था? तो ध्यान रखिएगा, उन पर गवर्नर का नियंत्रण यानी कि वायसराय का नियंत्रण था, वायसराय के अधीन थी। अब देखो 1919 के अधिनियम में मैंने आपको एक बात बताई कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1935 के अधिनियम में कि जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, उस द्वैत शासन व्यवस्था को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। अब यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। और पूछा जाए कि कब प्रारंभ किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। लेकिन प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, वहीं उसके स्थान पर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। अब शब्दों को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रांतों में कब प्रारंभ की गई, तो 1919, और केंद्र में कब प्रारंभ की गई, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम सेम वही हुआ, इसमें भी शक्तियों का बंटवारा टू पार्ट्स में किया गया, एक हस्तांतरित विषय रखे गए, एक आरक्षित विशेष में रखे गए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तीनों ही अधिनियम में जो लिंक किए हुए हैं 1909, 1919 और 1935, वो है आपका, मैंने आपको बताया था सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन पहले में मुस्लिम, दूसरे में मैंने आपको बताया था 1919 में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और यूरोपियंस को। अब 1935 के अधिनियम में उस सांप्रदायिक व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उस सांप्रदायिक व्यवस्था का और भी विस्तार कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उसे विस्तार किया गया, तो विस्तार करने के बाद अब उसे किसे प्रदत्त किया गया? देखिए, दलित, मजदूर और महिलाएं, यानी कि अब आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि दलितों को, मजदूरों को और महिलाओं को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत पृथक निर्वाचन कौन से अधिनियम के तहत दिया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1935 का अधिनियम। ये तीनों वर्गीकरण आप याद रखिएगा, 1909 में किसे दिया गया, 1919 में किसे दिया गया और 1935 में कहाँ तक विस्तार किया गया। ठीक है, अब देखिए 1919 के अधिनियम में आपने एक बिंदु पढ़ा था, वो बिंदु ये था कि सीमित मताधिकार का प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि सीमित मताधिकार प्रारंभ किया गया था 1919 के अधिनियम में, जो कर देता होगा ब्रिटिश सरकार को, जिसके पास संपत्ति होगी और जो शिक्षित होगा, इन तीनों को कर दिया गया, वो मताधिकार दिया गया था, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि मताधिकार का और अधिक विस्तार कर दिया गया, और मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% और अधिक जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया। अब इस अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, वो थी 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए आपसे कि संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत, और कब की गई, 1937 में। नेक्स्ट है, आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, मुद्रा व्यवस्था और बाजार को नियंत्रित करने के लिए 1935 के अधिनियम के तहत ही आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, 1935,
आरबीआई का गठन 1935 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा आपने 1919 के अधिनियम में एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, जो 1919 के अधिनियम की ही एक विशेषता थी। अब उसी विशेषता का यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर था संघ में लोक सेवा आयोग का गठन, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि राज्यों के स्तर पर भी और जॉइंट यानी कि एक दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ये ध्यान रखिएगा, दोनों बिंदु यहाँ पर है आपका 1919 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और यहाँ पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग प्लस आपका संयुक्त यानी कि जॉइंट लोक सेवा आयोग का आपका गठन कर दिया गया। ये था आपका 1935 का अधिनियम। देखिए 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत विस्तृत है। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली ही क्लास में कि किन अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे ताज के शासन में प्रश्नों की बात की जाए कि ताज के शासन में प्रश्नों का निर्धारण सबसे ज़्यादा किन अधिनियमों से किया जाता है, तो उनमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीन अधिनियम है, 1909, 1919 और 1935। तीनों अधिनियम की लगभग सभी विशेषताएं और उन विशेषताओं के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो सभी आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको पहली क्लास से ही मैं लगातार आपको कह रही हूँ कि आप लोग गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल कि कौन कब से कब तक भारत में रहा, उन सब के कार्यकाल को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। अब देखिए अब हम अंतिम पर आते हैं, 1947 आज भारत को आज़ादी दिलाई देते हैं। देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अब ये शासन अधिनियम नहीं है क्योंकि आपको पता है 1947 के तहत साथ क्या हुआ, 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब लगभग सबको ये तो पता है कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत एक पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ या एक डोमिनियन के रूप में आज़ाद हुआ। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत एक डोमिनियन के रूप में आज़ाद हुआ था। भारत से ताज का शासन समाप्त हो गया, शाही उपाधि यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत की शासन व्यवस्था के संचालन करने के लिए भारत को डोमिनियन के रूप में स्वतंत्र किया गया था। आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब तक आपने देखा कि 1935 के अधिनियम तक जो भारत के ऊपर शासन करते थे ब्रिटिश, उनका जो सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भारत में होता था उसे वायसराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उस वायसराय का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। ये वही भारत सचिव का पद है जो 1858 में प्रारंभ किया गया था, इस पद को समाप्त कर दिया गया और शाही उपाधि भी समाप्त कर दी गई। देखिए भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के साथ। इस अधिनियम को आप लोगों को पता है माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माउंटबेटन का एक और नाम है जो एक बार मेंस के प्रश्न में पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। माउंटबेटन का दूसरा नाम डिक्की है, डिक्की बर्ड। देखिए ये याद रखिएगा, एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि डिक्की बर्ड प्लान से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली माउंटबेटन की जो सिस्टर है वो उन्हें प्यार से डिक्की कहती थी, इसलिए माउंटबेटन को का ही नाम डिक्की है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डिक्की बर्ड किसके नाम से कौन से वायसराय या किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था, तो आपको ये उनका उपनाम पता होना चाहिए, उनका उपनाम है डिक्की बर्ड, ठीक है, माउंटबेटन। तो 1947 का जो आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम है इसे माउंटबेटन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने और भारत एक डोमिनियन के रूप में स्वतंत्र हो गया। चलिए
भारत एक डोमिनियन के रूप में स्वतंत्र हो गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका उत्तर होगा राजगोपालाचारी। और यहीं पर एक और तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आपका उत्तर होगा राजगोपालाचारी। ये तीनों उत्तर आप याद रखिएगा। देखिए, आज की इस क्लास के साथ 1947 भारत की आज़ादी के साथ आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कैसे कैसे कौन सी समिति का गठन किया गया, उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।